तो भाई राम राम सारण ना भाई, आज हम आपको मिल रहे हैं किसान भाई से। भाई इनसे बात करने वाले हैं भाई, खेती के बारे में क्या सीन चल रहा है आजकल, कमाई है क्या नहीं है, और कैसी खेती करते हैं, कितने के लिए खेती करते हैं, और भाई इनका अनुभव क्या है भाई खेती को लेकर, भाई इनसे बात करते। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई। पकड़ लो रहा। अपना नाम बताओ। महेंद्र सिंह। अच्छा, प्रॉपर कहाँ से हो? डाबड़ा से। अच्छा, पहला क्वेश्चन, खेती में क्या सीन चल रहा है आजकल? खेती में इनकी धान की खेती में मतलब कोई बचत को नहीं आई, जिसमें कि एक बारिश ज़्यादा होने के कारण जी मतलब धान की खेती कम निकली और फिर भाव नहीं मिला। अच्छा, इससे किसान की मतलब बुरी दिशा है। तो आगे देखो, पीछे ओले पड़ गए थे पिछली फसल पर एक धान की पे, उसमें मतलब सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। तो ओला इतना आया तो सारी जीरीन जट गया, और एसडीएम डीसी यहाँ दौरा करया और आके मौके का पर आके देखा और वो लिख के ले गए, बोले उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। फिर ये देखो आगे कणक की क्या फसल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, और खेती में कोई फायदा नहीं है, जमींदार मतलब बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। क्या हो गया भैया चौपट, मतलब किस बात से आपने बोला कि आए चौपट हो गया जमींदार वाले, खत्म हो लिया, खत्म ऐसे हो लिया कि कोई बचत नहीं आ रही, मतलब बेमौसमी बारिश होने का कारण मतलब जीरी पानी के अंदर इतनी खराब हो चुकी, इसके कारण मतलब पानी निकाल के ने फिर मुश्किल से उसको निकाला और उसकी औसत नहीं आई। औसत नहीं आने के कारण मतलब बचत नहीं आई किसानों के। अच्छा, हाँ। कितने किले खेती करो आप? मैं 7 किले खेती करता हूँ। 7 किले खेती, ये आप जो 7 किले खेती करो, आपका खर्चा क्या जाए पर किले की बात करा तो, और आपने मिल कितना जावे हैं? खेल तो खर्चा मतलब धान की खेती पर 20,000 रुपये खर्चा है, और वो तो होने पर बात है जद 50,000 का किला हो जद कि मतलब 30,000 रुपये बचे। अच्छा, और अब की बार यही 30-35,000 का किला बैठे है, तो मजदूरी भी नहीं बची। हाँ, एक नु बताओ, गवर्नमेंट की मेकर है किसान भैया? कुछ नहीं करती सरकार इसमें, कुछ नहीं करती। अच्छा, हाँ सरकार कुछ नहीं करती। आपके में कहना चाहो? हाँ कहना चाहो भाई। हाँ बताओ। ये भी एक खात है, पहला तो कनक बोई जी डीएपी लैंड में ला के लेनी पड़ी, मुश्किल से दुगने रेट ले गए। हाँ। अब यूरिया खाद तरसन ला रहे हैं, किसान का कहाँ आया वो फायदा, दुगने रेट ले रहे हैं, 270 रुपये कट्टा आता है, 350 रुपये कट्टा देते हैं। अच्छा, जमींदार कहाँ कितना खर्चा पड़ता है देखो आप, हैं? डीएपी टाइम पर मिली नहीं, नहीं यूरिया मिलना, ये अभी भी परेशान, यहाँ पर यूरिया नहीं है हमारे पास, शॉर्टेज बहुत है, बहुत शॉर्टेज है। अच्छा। 2 नंबर में बेचते हैं ये दुकाने वाले, ब्लैक में 350 रुपये कट्टा, 270 रुपये वाला, और वो भी लैंड में दे लेके लागा जिद 2 कट्टे मिले हैं, ना बैंक में आवे ना बात, परेशानी है जमींदार का है। अच्छा। बैंक में आओ तो एक आधार कार्ड पर कितने कट्टे मिलते हैं? 3 कट्टे मिलते हैं, वो भी सबको कौन मिले, ये मौसम मुझे लेट बेरा पटा तो मैं जाऊँ तो निका बट ली। अच्छा। एक गाड़ी आती है बस 400-500 कट्टांगी, वह जी दी लाग जी है भाई, एक ही गाड़ी आई तक आई नहीं, और आपने मिले ना? नहीं मिले। कौन मिले? नहीं मिले। अच्छा, हाँ फिर कुकर काम चलाया, कुकर के मांग तेरा पड़ोसी के मांग के काम चलाया, बरगेरी है। कितने किले हैं आपके? मेरे 2 किले हैं भाई साहब। अच्छा, जो यूरिया कट्टा 1 किला में लग जाएगा उसमें 1 किला में कितने कट्टे पड़े हैं फिर? 1 कट्टा 1 बराबर पड़ा है। अच्छा, 1 किला में। हाँ, मतलब आपने 2 कट्टे की थी नीड है? हाँ, 2 कट्टे की जरूरत थी, 2 कट्टे पड़ोसी मांग के लेके गया, उसमें घेरे हैं। एक नूबी को है किसान भाई, जो यूरिया का जो कट्टा है उसके लिए जो अलग से जो खाद देव है वो है अपने जरूरत उसकी, जो अलग देव है वो दे हैं, के बोलो ना जिंक जांग वो दे, उसकी हमने के जरूरत है, दुगुने पैसे अठे हैं हमारे, कोई जरूरत नहीं उसकी हमारे पास, फिर भी नुकर लैंड में ला के ले तो ले ना चले जाओ। अच्छा, बुरा हाल है जी जमींदार का, जमा बुरा हाल है। अच्छा।
एक आप इस गांव में रहो। हाँ जी ठीक है, तो इस गांव की आपने के कोई समस्या है जो ठीक होनी चाहिए आपके हिसाब से? ठीक के होगी, जमींदार के नहीं पता, खाद टाइम पर मिलन, दवाई टाइम पर मिलन है, मजदूरी तो नहीं होगी। ईव लगा ले, कणक की खेती करन ला रहे हैं, मौसम की मार है, चलो फायदा ही है। कई किले नीचे के हैं, उसमें तो बारिश की ज्यादा मार है, तो वो बेचारे नहीं सोचते, एक दो कट्टा खाद का मिल जाए, फालतू में गिर दिया तो खाद मिल रही नहीं, कणक लोगों की पीली होने लगी है। अच्छा हाँ, खेती करा शुरू करे उस टाइम आपकी क्या उम्र थी? मेरी थी 22 साल। 22 साल उस टाइम ही खेती में, आज खेती में कितना फर्क है? बड़ा फर्क है जी। अच्छा। जी तो 5,000 रुपया किला ठेका लिया करता, 60,000 रुपया किला ठेका है, दुगुना खर्चा है जी, आधा खर्चा था। उस टाइम जब खेती कराया करते नहीं, कैसे खेती कराया करते, मतलब किस टाइप कराया करते बताओ ना। पहले तो बाड़ी बोया करते भाई, खेती कराया नरमा, पहले टमाटर बोया करते, खूब टमाटर होया करते। अच्छा। फिर बाड़ी मैं मिर्च का बाड़ी भी होया करती, ग्वार बाजरा भी होया करते, ये भी सेम का एरिया हो गया, धान लगन लग गए, धाना में तो दुगुना खर्चा हो रहा है। कदे किमी दूसरी बीमारी आ, कदे आडे पट गया, कदे पानी चढ़ गया, पानी काट काट के जीरी काली होगी पानी में। अच्छा, कौन सा ट्रैक्टर आपको दे? ट्रैक्टर नहीं है भाई साहब हमारे पास। आपके पास भी नहीं है? 2 किले वाला ट्रैक्टर ले आके के खाएंगे, बैंक का ब्याज भरेंगे आगे। ट्रैक्टर कदे कौन रखे आप? ना ट्रैक्टर कहीं आगे, साइकिल ही कौन रखी है? फिर खेत में जाओ, फिर पैदल जाओ और क्या करा, तो कहाँ से तेल गलवाओ, 100 रुपए लीटर हो रहा है। नहीं रोटी तो साइकिल पे ही लिया, और तो कैम लिया। भैंस रखो? भैंस रखा। कितनी? दो भैंस रखो। कितना खर्चा जाए एक भैंस पे? कहन पूछा परसों, एक हफ्ता पहले 1800 की बोरी आई ही खड़की, काल ले आए 2000 की आई, 200 रुपया बढ़ोतरी होगी, के डांग रख के फिर दे है, 1000 रुपया क्विंटल तूड़ी हो रही है, है? बिंदौला का भाव 2500 रुपया वो कट्टा दे ला रहे हैं, दूध भी का 40 रुपया डोलो वाले लीजिए हैं, 40 रुपया फालतू कौन लिया, के करा वे दूध बेच के भी नुकसान है, साठ इतना महंगा हो रहा है। तो क्या कहना चाहो जो देखा हमारे वीडियो? देखा के भाई नहीं, आज धरती माता आ रहे हैं, हमने जून भुगतो नहीं है, गरीब आदमी है, हैं टाइम पास करा हमारी, और के अच्छा। सरकारी या गेल पड़ रही है ना, खा टाइम पर खात मिला ना बात। अच्छा। और घर मिलता है उनके भी, 2 किले खेती करो। हाँ। ये आपके 2 किले में कितने रुपए बन जाए? कितना बन जाए पर घर खर्चा लगता लिगड़ा है, और के बहुत सताव है। अच्छा। हाँ। एक भैंस नु को है कि 10,000 का चारा खेले महीना में, कम है कहीं? हाँ। तो खेले 10,000 का चारा तो कौन खा ले, अबे चार चूट से खाद गिरा तो 10,000 रुपया तो के मामूली सी बात है, 10,000 रुपया तो हो जाए खर्चा, और 5,000 का दूध बिका है, 5,000 रुपया तो घरते ही लाग के खाया है, फिर नहीं हमारा गोबर गोबर बचा है भाई, बाल दो गोसे बेचो। हाँ ना बेचा कि उनका गोसा थप्पा उसका चाटरन जो है, और गोबर भी कौन बचा है, 5,000 रुपया तो भाई मान के चार 5,000 का दूध बिका है, 10,000 का खर्चा है। अच्छा। तो वो नहीं घर लासी दूध हो जाए, दही हो जाए, बाल खा ले हैं, इसका भी अन्ना टाइम पास कर लिया, डांग डोर की कर लिया है। अच्छा। और क्या है बचत, कुछ बचत नहीं है। अगर वो खेती करता उसने करनी चाहिए आज के टाइम पे खेती? किस तरह खेती करनी चाहिए आज के टाइम पे? खेती में बचत तो कौन क्या कर ले, बचत तो नहीं है। मैं 3-4 किले ठेका लिया करता, वो घराली भी पूंजी ठेकाला दे दिया करता, बचत तो कौन आया करती कुछ है, इवटाली करती मेरे 2 किले घर का करो। अच्छा। हाँ ठेका में क्या भाई था, 50-60 हज़ार रुपये ठेका है किले का। अगर आपके बेटे चाहे खेती उन्होंने कर दो आप खेती? ना भाई के कहा, चाबर बारह में पटा मैं बेटा पट के कड़ा कामयाब हो गया, ये 2 किले तो मैं सामने लिया, खेती में कोई फायदा कौन बेटा आगे देख। अच्छा। और क्या करा, आप भी कहना चाहो खेती नहीं करनी चाहिए? फिर आपका बच्चा खेती नहीं कर, इन्हू बताओ अगर खेती करना बंद कर दिया बंद तो किस तरह कर देंगे, फिर घर खाने दाना भी चाहिए, तूड़ी भी डांगना चाहिए, सारी चीज चाहिए है, तो है ये तो करा ही हाँ ले, और तो ठेका तो फायदा। अगली आने वाली जो जनरेशन है ना वो खेती नहीं करेगी।
अगर बंद हुई खेती फिर क्या खाओगा देश? आप तो देश की रीढ़ की हड्डी हो, और वही टूट गई तो फिर देश खत्म। तो ये बात तो ये बात सरकार देख मोदी देख ने ये तीन कानून लगा दिए थे, ये तो सब किसान भाई बैठ गए वहाँ वापस ले लिए, फिर हम बीबी को गारंटी नहीं देने ला रही है। हैं? अच्छा हाँ, तेरा बिना बैठ के आया हूँ मैं। अच्छा दिल्ली में माहौल था कहने की बात है भाई, कुछ नहीं। हमारे गांव से कम से कम 15-20 आदमी वहाँ रहे करते थे, घर से गांव से चंदा किया और गांव का चंदे से ही वो आंदोलन चलाया। अच्छा, गांव ने पूरा सहयोग दिया, पूरा सहयोग दिया। एक नूबी को है कि जो गांव में नहीं जज फिर भी जज करे बंद कर रखे हैं, बंद कर रखे हैं जी। गांव में पंचायत हुई थी, चौधरी कमल सिंह भी आए थे पंचायत में, भाई कोई बुलाएगा तो उसका 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यार को जे जी बीजेपी का हमारा कोई नहीं आएगा गांव में, यार ना आए हैं अभी तक, माफ नहीं आए हमारे गांव में ना, नहीं आने दें। अब ये NSP वो आपस गारंटी लेंगे, सारा बात बनेगी, जिद कोई गांव में आएंगे नहीं गांव में नहीं आने दें। हाँ, कोई ब्याह शादी में कोई मरगत में नहीं आवे। हाँ, आखिर कुछ कहना चाहो? कहने के कहा भाई ठीक है भाई, तो अब मिल लिया, राम राम होगी तेरी। अच्छा, धन्यवाद आपने टाइम दिया हमारे। ठीक है भाई। तो भाई देखो ऐसे कुछ भाई हालात हो रखे हैं आजकल किसान भाइयों के, तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और आपके भाइयों को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।